त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है। तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल। आईटीआई सोलन में छात्रों को परोसा जा रहा कीड़ों वाला खाना। प्रदेश के नंबर वन कहलाने वाली सोलन आईटीआई अपने बदहाली के आंसू रो रही है। यहां पढ़ने वाले छात्रों को हॉस्टल में निम्न दर्जे का भोजन परोसा जा रहा है, जिसका खुलासा वह पढ़ने वाले छात्रों द्वारा मोबाइल पर वीडियो बनाकर किया गया है, जिसमें साफ तौर पर सब्जी में कीड़े तैरते नजर आ रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं का आरोप है कि उन्हें कई बार घटिया खाना परोसा गया है और यदि इसका विरोध किया जाता है तो प्रबंधन द्वारा उन्हें फेल तक करने की धमकी दी जाती है। डरे हुए छात्रों ने कैमरे के सामने कुछ ना बोलने व उनका नाम सामने ना लाने की शर्त पर बोला कि आईटीआई में हिटलर राज चल रहा है और हॉस्टल में जो भी खाने को मिलता है वे खाने को मजबूर हैं। उसमें अब जो मटेरियल आया सोयाबीन की जो बड़ी आई उसके अंदर कोई पीछे से ही जो अब किस्म कौन सी थी वो प्रकार की लाई गई, उसको हमने तुरंत मेन्यू से हटाया, उनको निकाला और अलग किया गया और हमने उसको जो मैस कॉन्टेक्टर है उनको हमने वार्निंग दी है कि अंडा ऐसी हरकत या ऐसा काम या ऐसा खाना या ऐसा कीड़ेदार खाना ना खिलाया जाए बच्चों को। हाँ, जैसे मैंने बताया कि इस टाइम हॉस्टल में हमारे पास जो हॉस्टल गार्डन के नाम पर एक भी उपलब्ध नहीं है, हमने जो एक्स्ट्रा हमारे जो यहाँ पर ग्रुप इंस्ट्रक्टर है वो ये चार्ज दे रखा है, तो ये जो रात्रि भोजन में जो कीड़ा निकला जब सुबह इसकी रिपोर्ट मिली तो हमने इसको, और वैसे भी रात्रि को वो जो सब्जी थी वो हटा दी गई थी और उसकी जगह दूसरी सब्जी बनाकर दाल बनाकर बच्चों को दी गई। एन स्टार न्यूज के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।